हिंदू रीत रिवाज के अनुसार प्रेमी जोड़े की हुई शादी, लोगों ने दिया आशीर्वाद, ग्राम प्रधान व पुलिस रही मौजूद। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक पेज एवं यूट्यूब चैनल। दुबोलिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव के अंतर्गत दोपहर में एक प्रेमी जोड़ों की शादी संपन्न हुई है, जिसमें दोनों पक्षों के परिजनों की आपसी सहमति के बाद गांव में ही हिंदू रीत रिवाज के साथ यह विवाह संपन्न कराया गया है। इस मौके पर ग्राम प्रधान अमरनाथ चौधरी व पुलिस चौकी डेढ़िया के कांस्टेबल ने वर वधू को आशीर्वाद देके विदा कराया है। वहीं ग्राम प्रधान अमरनाथ चौधरी ने अपने कार से वर वधू को भिजवाया है। तो ये तस्वीरें सीधे तौर पे आप डेढ़िया की देख पा रहे हैं कि जहां पर एक प्रेमी जोड़ो की पहले आंखें चार हुई, इसके बाद दोनों एक दूसरे पर अपना दिल दे बैठे और शादी करने के लिए राजी हो गए। ये पूरा मामला एक वर्ष के अंदर का है, जहां पर दोनों का प्रेम प्रसंग चल रहा था और दोनों आज शादी करने के लिए सहमति हुई। दोनों ने फिर क्या था कि अपने अपने घर पे माता पिता से बात किए और दोनों पक्ष के लोग शादी करने के लिए तैयार हो गए। इसके बाद लड़का जो है अपने माता पिता के साथ लड़की के घर पहुंचा, जहां पर गांव वालों की बड़ी संख्या में मौजूदगी के साथ उसका शादी विवाह हिंदू रीति रिवाज के साथ संपन्न कराया गया है। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि जहां पर लड़की लगभग 19 साल की है और लड़का 21 साल का है। लड़का नगर थाना क्षेत्र के अगई भगाड़ गांव का रहने वाला है, लेकिन वह डेढ़िया बाजार में काफ़ी दिनों से किराए के मकान में रहता है और इसी गांव की या 19 वर्ष की लड़की है, जिससे उसकी मोहब्बत हो गई और मोहब्बत इस कदर हुई कि शादी करने के लिए दोनों पक्ष राजी हो गए हैं और दोनों एक साथ हैं, जीने मरने की कस्में भी खा रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप सीधे तौर पे डेढ़िया की देख पा रहे हैं कि जहां पर आज दोपहर बाद में यह शादी संपन्न हुई है और यह शादी हिंदू रीति रिवाज के साथ संपन्न की गई है। यहां पर जो पंडित हैं, पंडित गणेश जी ने यह शादी को संपन्न कराया है। इसके बाद ग्राम प्रधान अमरनाथ चौधरी अपने वाहन अपने कार को मंगा करके वर वधू को विदा किया है। तस्वीरें सीधे तौर पे देख पा रहे हैं, ये तस्वीरें डेढ़िया की है, जहां पर खुशी खुशी से माता पिता अपनी बेटी को प्रेमी के साथ शादी विवाह करने के बाद उसे विदा कर रहे हैं। इसको लेके गांव में काफ़ी चर्चाएं भी हो रही हैं, गांव में काफ़ी खुशी का माहौल है। लोग शादी विवाह की जानकारी होते ही बड़ी संख्या में गांव के लोग पहुंचे हैं और गांव के लोगों ने वर वधू को आशीर्वाद दिया है और लोगों ने कहा है कि यह गांव में बड़ा अच्छा कार्य हुआ है कि जहां पर वर वधू को की शादी संपन्न हुई है और ग्राम प्रधान का भी ऐतिहासिक काम रहा है कि उन्होंने अपनी मौजूदगी में शादी को संपन्न कराया और अपने कार से वर वधू को भेजा है। तो ऐसी खबरों को पाने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। नमस्कार, धन्यवाद, मिलते हैं दूसरी खबर के साथ।